नमस्कार, रूपाली कुकबुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम मसाला पूरी बनाएंगे। तो मसाला पूरी बनाने के लिए मैंने ये गेहूं काटा लिया है और दो ये मैंने आलू लिए हैं। तो आलू को मैं बारीक कस लेती हूँ। आप चाहे तो उबला हुआ आलू भी ले सकते हो। मैं आलू को इस वाले हिस्से से कसूंगी। ये देखिए, आलू को कद्दूकस कर लिया है, आलू को मैंने कस लिया है। अब इसी के साथ में जो मैंने ये आटा लिया था, आटे को डाल देते हैं और मसाले मिक्स कर लेते हैं। ये हल्दी लिए है, ये घर की कुटी भी लाल मिर्च ली है और ये अजवाइन है, थोड़ा जीरा भी डाल लेते हैं और ये गरम मसाला और नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए। मिक्स कर लेते हैं इन सबको। ये देखिए, मसालों को हमने मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम 2 बड़े चम्मच तेल डाल देते हैं। आप घी भी डाल सकते हो। मिक्स कर लेते हैं। मैं हाथ से ही मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए, मिक्स कर लिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम जैसे पूरी का आटा लगाते हैं या पराठों का, उसी तरह से लगाना है। ये देखिए, आटा लग गया है। अब इसको 15 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं। ये देखिए, 15 मिनट हो गए हैं। अब आटे को चेक कर लेते हैं। मैंने थोड़ा इस तरह से हाथ पे तेल लगाया है। एक बार इसको अच्छे से मसल लेते हैं, गूंथ लेते हैं एक बार। ये देखिए, आटा लग गया है। अब इसमें से छोटे छोटे आटे के पेड़े तोड़ते हैं। इतने इतने आटे के पेड़े बना लेते हैं छोटे छोटे। देखिए, कुछ लोइयाँ मैंने बना ली हैं। अब बेलना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये लोई रख ली है, इसको हम बेल लेते हैं। जैसे पराठा पूरी बेलते हैं, उसी तरह से ये हमें बेलना है। चकले पे और बेलन पे भी तेल लगा लेना, जिससे कि पूरी चिपके ना। ये देखिए, पूरी हमने बेल ली है। हमें सभी पूरियाँ इसी तरह से बेलनी है। ये देखिए, तेल हो गया है। अब पूरी तलना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, सभी मसाला पूरी बन गई हैं। बहुत ही टेस्टी और यमी बनी है। इन्हें आप अपने घर पर ज़रूर बनाइएगा। ये बहुत ही आसानी के साथ में बन जाती हैं।